Students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard grammar, okay? हम 6th standard का grammar start करेंगे. ये हमारा 8th lesson. Adjectives. आज हम adjectives के बारे में पढ़ेंगे. देखो, adjective एक word होता है जो describe करता है nouns को, ठीक है? Adjectives क्या होते हैं? Words होता है. वो क्या करता है? Describes noun को. और अब हम एक adjective word use करते हैं तो उससे हम पूरा sentence भी change कर सकते हैं. Whole sentence को हम change कर सकते हैं. We had एक्साइटिंग ट्रिप. अभी देखो, एक्साइटिंग ट्रिप, हम मैं बोल रही हूँ कि ये ट्रिप बहुत एक्साइटिंग था. अगर एक्साइटिंग की जगह पे मैं बोरिंग डाल दूंगी तो क्या हो जाएगा? पूरा मतलब चेंज हो जाएगा. पहले सेंटेंस में मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ट्रिप बहुत अच्छा था, और उसकी जगह मैं सिर्फ बोरिंग वर्ड यूज़ करूँगी तो क्या हो जाएगा? ट्रिप बहुत बोरिंग था, ठीक है? उसी तरह देखो, सम एडजेक्टिव्स कम्स बिफोर द नाउन दे डिस्क्राइब. देखो, जो नाउन्स के बारे में बात करें उसके पहले भी कभी कभी एडजेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं, और एट अदर टाइम दे फॉलो द नाउन्स दे डिस्क्राइब. जो किसी को फॉलो करते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं उसको, ठीक है? अभी देखो एक एग्जाम्पल, द हंगरी हंगरी एंड टायर्ड कैंपर्स. देखो, वो कैंप के लिए कैंपर्स जाते हैं, वो क्या थे? भूखे भी थे, टायर्ड भी थे, वो लोग अपना रास्ता घूम गए, ठीक है, भूल गए. दे लॉस देयर वे. अभी देखो, चिल्ड्रन चीयरफुली एंड नॉइजी इन्जॉय द शो. जो बच्चे लोग क्या अच्छे से शो को मस्ती करते करते शो को इन्जॉय किया. अभी देखो, एन एडजेक्टिव मे बी मोर देन वन वर्ड. एक से ज़्यादा वर्ड भी वो हो सकता है. आई गेट पेड वीकली एट माई पार्ट टाइम जॉब. वो क्या, हर हफ्ते उसको पेमेंट मिलता है उसके पार्ट टाइम जॉब में, ठीक है. वी ब्रॉट 3 side 10. वो कैसे 10 लाए थे? 3 side 10. अभी देखो, ये एक्सरसाइज में आपको ट्राई करना है, आपको सुटेबल एडजेक्टिव भरना है, ठीक है. एन एक्सीलेंट स्टोरी, तो क्या लिखोगे? एक्साइटिंग स्टोरी भी लिख सकते हो आप. आपको सुटेबल एडजेक्टिव जो आपको सूट करे वो लिखना है, ठीक है बच्चों. अभी हम क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे. क्या देखेंगे बच्चों? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. द मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर, इसमें हम मेन काइंड ऑफ देखेंगे कि कौन से है. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर है, फिर क्या है बच्चों? तो डिमोस्ट्रेटिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है बच्चों. तो पहले हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी देखेंगे. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? उसमें आपको पता चलता है कि वो किस तरह का है, किस काइंड का है, वो क्या है. तो वो इंसान कैसा है? तो वो इंसान काइंड इंसान है, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा इंसान है, केयरिंग है, उस टाइप का क्वालिटी, ठीक है. अभी देखो, वी थैंक यू फॉर द काइंड इन्वेंशन. हम बोलते हैं ना, काइंड के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है. फिर ये कार कितनी ब्यूटीफुल है, उसमें पता चलता है कि वो कैसा है, क्वालिटी उसकी कैसी है, ठीक है. चलो, उसमें क्या होता है, मोस्टली हमें पता चलता है कि वो किस तरह का है, किस में, क्वालिटी में. अभी क्वांटिटी देखेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी देखेंगे. तो ये क्या होता है? डिवोर्स द क्वालिटी ऑफ, इसमें क्या, अभी क्वांटिटी में क्या होता है कि कितने नंबर्स में, कितने मात्रा में है, हाउ मच, हाउ मैनी, ऐसे टाइप का. देयर इज सम मिल्क, बोलते हैं ना जार में थोड़ा मिल्क है, तो क्या बोलेंगे? सम मिल्क, ठीक है. फिर उसके पास थोड़ा सा जानकारी है, तो लिटिल बिट नॉलेज, ठीक है. आई हैव लिटिल नॉलेज, ऐसा बोलते हैं ना, मेरे पास थोड़ा नॉलेज है. या फिर मेरे, देयर इज इंजर्ड वाटर इन द पूल, बोलते हैं ना, उसमें इतना पानी है जितना काफ़ी होता है, ऐसा टाइप का, ठीक है. तो देखो, क्वांटिटी में क्या होता है, नंबर्स डिस्क्राइब करते, कितना है, कितना ज़्यादा कम, मतलब सम मैनी टाइप का. और क्वालिटी में मतलब उसका काइंड कैसा है वो, ठीक है बच्चों. अभी देखो, नंबर ऑफ एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर देखेंगे. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, तो एक्सप्रेशन दैट नंबर्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, इसमें पता चलता है कि कितने इंसान, कितना सामान है, ठीक है. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस द नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर्स एडजेक्टिव्स. इसे हम नंबर एडजेक्टिव्स बोल सकते हैं, एडजेक्टिव्स नंबर बोल सकते हैं. इन आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, इसमें पता चलता है कितना है, ठीक है. ये नंबर्स में भी हो सकता है, डिफाइन नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव्स में, जैसे कि डिनोट करता है किसी को 1, 2, 3, 4 करके, या फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो सकता है, ठीक है. इसमें वो ये भी बोल सकते हैं कि सब है यहाँ पे, कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज है ना. ऑल मैंस हैव टू डाई, सबको मरना होगा. मैनी गर्ल्स डू नॉट मैरी, बहुत सारी गर्ल्स ने शादी नहीं की है. फी हॉर्स आर पर्पल, प्योर, फ्यू हॉर्स आर प्योर वाइट, बोलते ना
थोड़े ही घोड़े पूरी तरह पूरा प्योर वाइट है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली नंबर्स बताते कितने हैं, ठीक है, नंबर्स में। अभी देखो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये क्या होता है, पॉइंट आउट विच पीपल विच पर्सन, देखो इसमें क्या होता है, पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रिफर्स टू, इसमें बताते हैं ये किसके लिए बोला गया है, किस सामान के लिए बोला गया है। तो क्या होता है ये, पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स इज बीइंग रिफर्स टू, मतलब किसके लिए बोला गया है, किस सामान के लिए बोला गया है, वो इसमें पता चलता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, या फिर वेदर इट इज नियर और फार, ये दूर और पास में भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। सिर्फ ये हमें बताता है कि वो चीज़ कहाँ है, क्या है, किसके बारे में बात की गई है, जैसे कि दिस दैट है ना, दिस दोस, ठीक है, टी एच आई एस एंड दैट मॉडिफाई सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक चीज़ के लिए हम जब यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं तो दिस और दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ यूज टू पॉइंट आउट द थिंग्स दैट इज़ नियर, दिस टी एच आई एस कब यूज़ करते हैं, जो चीज़ हमें पास में हो और एक ही हो, जैसे कि दिस इज़ अ पैर, एक ही है, ठीक है। दैट दैट किसके लिए यूज़ करते हैं, जो चीज़ फार अवे दूर हो, ठीक है, हमसे दूर। दैट इज़ अ ट्री, मतलब एक ही हो लेकिन दूर, ये दोनों चीज़ एक ही के लिए यूज़ करते हैं, दिस और दैट, लेकिन क्या होता है, दिस पास के लिए, दिस कब होता है, पास के लिए, और दैट दूर के लिए, लेकिन सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। देखो जैसे कि दिस बुक आई एम होल्डिंग इज़ वेरी गुड, ये जो बुक मैं पकड़ी, ये जो बुक मैंने पकड़ रखा है ये बहुत अच्छी है, ठीक है, ये दिस। और दैट माउंटेन लुक स्मॉल बिकॉज इट इज़ सो फार, बोलते हैं ना वो पहाड़ बहुत छोटा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है, दिस एंड दैट, लेकिन दिस किसके लिए यूज़ हुआ है, दिस पास के लिए, और दैट किसके लिए यूज़ हुआ है, दूर की चीज़ के लिए, लेकिन दोनों में क्या सेम है, दोनों सिंगल चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है बच्चों। देखो टी एच आई एस कब यूज़ करेंगे, पास में हो लेकिन सिंगल हो और पास में हो, और टी एच ए टी दैट कब यूज़ करेंगे, दूर में हो लेकिन सिंगल हो, ठीक है, सिंगल। अभी देखो टी एच ई एस ई दिस और दोस ये कब यूज़ करते, तो ये है ना एक से ज़्यादा होता है, प्लूरल होता है तब यूज़ करते, कब यूज़ करते हैं बच्चों, एक से ज़्यादा होता है, दिस और दोस। दिस किसके लिए यूज़ करेंगे, पास के लिए, जैसे कि बहुत सारी पेन मेरे हाथ में है, तो दिस इज़ माय पेन, है ना, दिस किसके लिए यूज़ करूँगी मैं, बहुत सारी चीज़ मेरे पास में हो, बहुत सारी बुक्स हो, तो मतलब दिस आर द बुक्स, दिस आर द पेन, दिस आर द बुक्स, दिस आर द पेन, दिस आर द इरेजर, है ना, दिस कब यूज़ करूँगी, एक से ज़्यादा हो, टी एच ई एस ई वाला, कौन सा वाला बच्चों, टी एच ई एस ई वाला कब यूज़ करूँगी, एक से ज़्यादा हो और मेरे पास हो, बोलूँगी ना दिस आर द पेन्स, है ना, वेरी गुड, दिस आर द बुक्स, दिस आर द बॉयज, ठीक है। अगर कोई चीज़ दूर हो मेरे से और एक से ज़्यादा हो तो दोस्त, क्या दोस्त, दूर हो और एक से ज़्यादा हो तो क्या यूज़ करूँगी बच्चों, दोस्त, दोस आर द ट्रीज, दोस आर द बॉयज, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया दिस दैट कब यूज़ करते हैं, दिस दोस्त कब यूज़ करते हैं, टी एच आई वाला कब यूज़ करते हैं, सिंगुलर हो लेकिन मेरे पास हो, ठीक है, वेरी गुड। और सिंगुलर, अभी देखो इसमें क्या है, सिंगुलर और पास हो तो दिस, सिंगुलर हो दूर हो तो दैट, और सिंगुलर एक से दूर हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, दूर हो और एक से ज़्यादा हो तो क्या दोस्त, और पास में हो लेकिन एक हो तो क्या होगा, पास में हो और एक हो तो टी एच आई एस होगा, और पास में हो और एक से ज़्यादा हो तो टी एच ई एस ई, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अभी देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें हमने क्या दिस दैट दिस दोस के बारे में पढ़ा था, दिस और दैट किसके लिए, एक ही चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए, और टी एच ई एस ई वाला दिस और दोस किसके लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। ये दोनों देखो हमने क्या सीखा था बच्चों, कि दिस और दैट क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है, एक चीज़ के लिए, और दिस और दोस एक से ज़्यादा के लिए, ठीक है।
वेरी गुड। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? तो देखो, इज यूज्ड विद अ नाउंस टू आस्क अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि सम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर व्हाट, हु एंड विच। ठीक है, इसमें हम सवाल पूछते, कौन, क्या, कैसे, किस तरह। व्हाट नेम, व्हाट नंबर्स डिड यू राइट, व्हाट नंबर डिड यू रिंग, है ना, तुमने कौन से नंबर्स। ऐसे भी पूछ सकते हो, आपने कितने नंबर लिखे। आप ऐसे भी पूछ सकते हो, व्हाट नंबर डिड यू रिंग, आपने कौन से नंबर पे रिंग किया था। हुज फादर हैज रेसेट द अलार्म, है ना। विच बुक आर यू रीडिंग, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। हु आर यू, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट नंबर यू हैव डायल, व्हाट नंबर यू हैव कॉल, मतलब कुछ भी सवाल टाइप का। अभी देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये क्वालिफाई। अभी इसमें देखो क्या है, ये क्या है, क्वालिफाइज मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। ये मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप को बताता है। देखो इसमें क्या होता है, कलेक्टिवली हो सकता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव साथ देखिए, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दे आर यूजुअली फॉलोड बाय द नाउंस। सो नाउंस के साथ फॉलो होते हैं। जैसे कि देयर इज अ स्टूल इन ईच कॉर्नर ऑफ द रूम, अ स्टूल है। देयर इज अ स्टूल इन ईच कॉर्नर ऑफ द रूम, बोलते हैं ना, हर रूम के कोने में एक स्टूल है। एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज प्रेजेंट, बोलते हैं ना, सब बच्चे आए हुए हैं क्लास में। ठीक है, आइधर नाइधर वाले वर्ड्स। अभी देखो, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है? सम पोजेसिव ऑफ एडजेक्टिव, समबडी, ओवर समथिंग, किसी के लिए हम यूज़ करते हैं। इन आंसर द क्वेश्चन, जैसे कि हुज, तो हम पूछते ना किसका है, तो उसका है, ऐसे बताते हैं। सम पोजेसिव एडजेक्टिव साथ, जैसे बोलते हैं माई, अवर, योर, हीज, हर, देयर एंड इट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोस्टली माई, अवर, योर, हर, हीज, देयर एंड इट। देखो एग्जाम्पल से, योर बाइक इज ब्लू, बोलते हैं ना, तेरी बाइक ब्लू है। ठीक है, शी डज नॉट लाइक हर ड्रेस, उसको उसका ड्रेस नहीं पसंद। द, फिर देखो, अभी देखो ये एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी जल्दी। ठीक है, अभी देखो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, अभी किस तरह से होता है वो देखेंगे। तो ये सेंटेंस पढ़ेंगे पहले अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू हैव अ राउंड ब्राउन ग्लास टेबल, वो बता रहा है किस तरह का चीज़ उसको चाहिए, एकदम क्लियरली बता रहा है। आई लाइक ब्लैक इटैलिक लेंथ शू, उसको ऐसे लेदर शूज़ कैसे पसंद है, ब्लैक के, है ना, ब्लैक और लेदर के। ठीक है, तो पूरा क्लियरली बता रहे। इन ऑल द सेंटेंस द एडजेक्टिव आर इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब ठीक से रखा गया है। तो इससे क्या होता है, हम कुछ भी लिखेंगे तो हमें बराबर से अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो, अभी हम क्या देखेंगे बच्चों आगे, ये सब एग्जांपल से ही करना आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी देखो आज हमने क्या क्या सीखा। हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स सीखे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में हमने कितने काइंड सीखे, 7 देखे थे। एक तो क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स, डेमोंस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सब पॉजिटिव, ये सब हमने आज सीखा। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा, तो भी एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, हाँ, और एडजेक्टिव का मतलब देखा था कि अगर हम एडजेक्टिव एक चेंज करते हैं एक सेंटेंस में, अभी समझो मैंने सिर्फ एक्साइटिंग लिखा कि वी हैड एन एक्साइटिंग ट्रिप, और उस एक्साइटिंग की जगह मैंने बोरिंग डाल दिया, तो उसका पूरा मतलब चेंज हो जाता है ना। तो क्या होता है, हम एक एडजेक्टिव वर्ड चेंज करते तो उससे क्या होता है बच्चों, पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है ना। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।